जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं राजेंद्र अजमेर साहब सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की वैकेंसी आई हुई है, टोटल पोस्ट है 910। कौन सी वैकेंसी है और दोस्तों इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको सामने साइन दिख रहा होगा इंडियन नेवी का, जो भारतीय जो आपके नेवी है, इंडियन नेवी, ठीक है, उसके अंदर है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये आपके टेस्ट का नंबर है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, अब ये वैकेंसी का नाम क्या है, चार्जमैन। चार्जमैन कौन कौन से चार्जमैन, यानी कि इसमें आपके एम्बुनेशन वर्कशॉप चार्जमैन, फैक्ट्री सीनियर ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और आपके है ये कंस्ट्रक्शन और कार्टोग्राफिक आर्गुमेंट आपके, वो ये टोटल वैकेंसी है। एंड ट्रेडमैन यानी ट्रेडमैन मेट, जो एमटीएस वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी क्या चार्जमैन की जो वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, और यहाँ पर एमटीएस के जो पद हैं वो भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। एमटीएस यानी मल्टी टास्क स्टाफ होता है, आपसे कुछ भी काम करा सकते हैं। एमटीएस मेट, एमटीएस के ट्रेडमैन का अगर मेट लगा रखा है, वही एमटीएस यानी ट्रेडमैन की वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो चार्जमैन की जो मेन वैकेंसी है दोस्तों, ये चार्जमैन के नाम से आई है, तो चार्जमैन के नाम से रहेगी। टोटल पोस्ट की बात करें हम, तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आपके रहेगी 910 पोस्ट टोटल। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग दे रखी है, जैसे कि इसमें आपके चार्जमैन ये ओनली वन लाइन यानी एक लाइन में जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, और ऑनलाइन यानी ऑनलाइन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भर सकते हैं। ये दोस्तों जो वैकेंसी इस सारणी की मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल की बात कर रहा हूँ, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी एन जी नॉन गजेटेड वैकेंसी है, यानी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे जो आपके बैंड एज 7th CPC और 6th PC यानी L7 और L6 की वैकेंसी की बात यह इस सारणी के माध्यम से हम करते हैं। तो इसमें आपके चार्जमैन एम्बुनेशन वर्कशॉप, इसकी वैकेंसी है जनरल की 12, एससी की 3 है, एसटी की 2, ओबीसी की 4 और टोटल वैकेंसी 22 है। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करते हैं तो 20 वैकेंसी है। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 142 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 26 पोस्ट है। सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी है 29 है, और सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक इसकी 11 वैकेंसी, और सीनियर ड्राफ्टमैन जो आर्मामेंट है उसकी है 50 वैकेंसी यहां पर दे रखी है। टोटल ये वैकेंसी अलग है, और फिर ग्रुप बी की वैकेंसी की हम बात करते हैं साथ साथ। ठीक है, सेंट्रल जो सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड यानी ग्रुप सी की हम बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों L1 से लेकर के L7 तक वैकेंसी आती है। इसमें दोस्तों आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है, इसमें कमांड वाइज वैकेंसी यहां पर दे रखी है। ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउथर्न जो साउथ ईस्ट जो नेवल कमांड है उनमें वैकेंसी यहां पर दे रखी है। सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें आपके वैकेंसी है ये आपके ट्रेडमैन मेट की यहां पर बात कर रहे हैं हम, यानी कि MTS वैकेंसी जिसको बोलते हैं ट्रेडमैन मैन मेट। ठीक है, इसमें आपका ईस्टर्न नेवल जो पश्चिमी जो आपके नौसेना पश्चिम की जो नौसेना जो नौसेना कमांड है उसमें आपके वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, 5-3 और टोटल यहां पर दे रखी है 9 वैकेंसी। वेस्टर्न नेवल कमांड में बहुत अच्छी वैकेंसी जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है। ठीक है, ईस्टर्न की कम है और वेस्टर्न यानी पश्चिमी, पहले मैंने सॉरी गलती से अगर बोल दिया वो पश्चिमी तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ये जो पश्चिमी नेवल कमांड है उसमें आपके जनरल के 235 पद है, एससी के 96 है और दोस्तों एसटी के है 60, ओबीसी के 117 है, ईडब्ल्यूएस के 57 है, और टोटल जो वैकेंसी है ट्रेडमैन की 565 वैकेंसी यहां पर दे रखी है। और दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें यानी हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इनमें दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, इसमें 56 वैकेंसी है, और इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर अच्छी वैकेंसियाँ दे रखी है साउथ ईस्ट नेवल कमांड में, और यहाँ पर दे रखी है टोटल किसकी, एमटीएस की टोटल वैकेंसी 610 वैकेंसी है। तो अगर कोई एमटीएस में फॉर्म भरना चाहता है तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, या फिर इस वैकेंसी में कोई भी फॉर्म भरना चाहता है तो इसमें क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, जो आपके हॉरिजॉन्टल आरक्षण है जो विकलांग लोगों के लिए या फिर दोस्तों स्पोर्ट्समैन ESM वगैरह
दिया है उनके लिए यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट है आपके, ये इनका काम क्या क्या है, रिजर्वेशन दे रखा है आपका, रिजर्वेशन सभी को दिया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन जो कैटेगरी है जनरल, उसके अलावा जो सभी को जितनी भी छूट है यहां पर दे रखा है, कितनी दे रखी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज अवेलेबल पर एक्सटेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार आपकी छूट है फॉर्म में वो दिखाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एज लिमिट का भी यहां पर दे रखा है, चार्जमैन जो आपके एमुनेशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री के है बिटवीन 18 से 25 साल के बीच में यहां पर होनी चाहिए और 25 साल के बाद में इसमें आपको आयु की छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके सीनियर, ये जो आपके ड्राफ्टमैन है, अलग अलग आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कोर्टोग्राफिक है, इनमें 18 से 27 साल है और इसके बाद में कैटेगरी की प्लस आपके यहां पर छूट दे रखी है। सीनियर ड्राफ्टमैन और आर्मामेंट की है वैकेंसी इसके साथ ही है। इसके अलावा ट्रेडमैन मेट की यहां पर बात करें 18 से 25 ईयर है प्लस जो आपकी आयु जो कैटेगरी की छूट है, जो आयु छूट कैटेगरी की है वो यहां पर दे रखी है, ठीक है। 18 से 25 प्लस आपकी जो कैटेगरी की छूट है यहां पर एमटीएस की यानी ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसकी हम बात करते हैं। ये टोटल वैकेंसियों की बात यहां पर हो रही है दोस्तों, किसके लिए, इंडियन नेवी की जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। चार्जमैन के अलावा आपके ट्रेडमैन वगैरह सभी की वैकेंसी निकली, अच्छी वैकेंसी है, उसके लिए बात हम कर रहे हैं। फिर दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन की बात आए तो क्वालिफिकेशन में आपके चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप, इसके लिए आपके पास में अगर बैचलर डिग्री साइंस से फिजिक्स और केमिस्ट्री है और मैथमेटिक है तो आप भर सकते हैं। अगर आपके पास में बीएससी मैथ से नहीं है या फिर आपके पास में डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आपके इसमें भर सकते हो डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। चार्जमैन फैक्ट्री के अंदर आपको बैचलर डिग्री साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि सेम टू सेम क्राइटेरिया है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर आपके पास में डिप्लोमा कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो चार्जमैन फैक्ट्री का जो फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, इसमें आपके मेट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फॉर्म है रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए या फिर 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन के पास जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यानी 2 साल का आपका आईटी का कोर्स अगर आपके पास में ड्राफ्टमैन का है तो भर सकते हैं या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइंग और डिजाइन ऑफिसर ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपके पास में ये इसमें 3 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें आप भर सकते हो। डिस्क्राइब दे रखा है कंप्यूटर के लिए भी अलग से इसमें सर्टिफिकेट इन ऑटो जो आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो ऑटो कैड है उसमें दोस्तों आपके पास है तो उनको यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दे रखा है आपका सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, वही सेम ही है इसमें, बस वो आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहां पर आ जाएगी या फिर दोस्तों आपके पास में 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपके पास में ड्राफ्टमैन आईटी अगर है तो इसमें भर सकते हो, किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सीनियर ड्राफ्टमैन जो आपके कंस्ट्रक्शन है मेट्रिकुलेशन पास इन द इक्विवेलेंट फॉर्म द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, 12th और इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन का अगर आपके पास आईटी का है तो भी भर सकते हैं या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस में काम करने का है मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियर में है तो भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। सीनियर ड्राफ्टमैन में आर्मामेंट में भी सेम ही है दोस्तों, इसमें आपके ये जो आईटी होनी चाहिए ड्राफ्टमैन के अंदर। डिस्क्राइब दे रखा है इसमें ऑटो कैड और कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और दोस्तों एक्रीडिटेशन कोर्सेज है आपके पास में तो इसमें आप भर सकते हो। फिर दोस्तों लास्ट में सीनियर जो ड्राफ्टमैन कोर्टोग्राफिक है इसमें भी सेम ही है, बस दोस्तों 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है डिजाइन ऑफिस में जो फील्ड है कोर्टोग्राफी में आपके पास एक्सपीरियंस कहीं से है आपके पास में तो आप इसमें भर सकते हो। ट्रेडमैन मेट की बात करें पर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडमैन मेट, जो मेट है 610 वैकेंसी केवल और केवल मेट की यहां पर आई हुई है 910 में से, तो इसमें अच्छी वैकेंसी है तो इसमें आपका नंबर बैठ सकता है। तो इसमें आपके 10th पास होने चाहिए, पहली बात तो 10th होना चाहिए और उसके पास में सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट आईटी आपके पास में रिविलेंट ट्रेड यानी कि जो इस ट्रेड की जो सीट है वो पीछे दे रखी है कौन कौन सी सीटें यहाँ पर है तो अभी बताते हैं। इसमें जो लिस्ट आईटी ट्रेड कौन कौन सी है इसमें अभी अपन बात करते हैं, एनेक्सर जो फर्स्ट है वहां पर इसमें दे रखा है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप, इसका काम क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये टोटल दे रखा है इसमें। फिर दोस्तों इसके आगे है आपके सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का क्या काम है, सीनियर ड्राफ्टमैन जो आपके कंस्ट्रक्शन है कोर्टोग्राफिक है आर्मामेंट है इन सब का क्या काम रहने वाला है
इसके साथ में ट्रेडमेंट जो मेट है उनका क्या काम रहेगा, जो आपको पता है एमटीएस का क्या काम है, कुछ भी काम करा सकता है इसमें, आपके वर्किंग और प्रोटेक्शन मेंटेनेंस सो आपके शिप सब मेरिन में आपको काम करना पड़ सकता है, जनरल जो क्लाइनेस है अपकीपिंग वगैरह जो भी है, टोटल वॉच एंड आपके वार्ड ड्यूटीज भी हो सकती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज भी हो सकती है, क्लीनिंग बिल्डिंग फर्नीचर जो फिक्सचर है, टोटल जो दोस्तों आपके अलग अलग प्रकार के जो ट्रेडमेंट है वो आपके काम करते हैं। फिर ये आयु चीट की इसमें दे रखी है दोस्तों एससी एसटी के लिए 5 साल और दोस्तों आपके दे रखा है ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए 5 साल, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 3 साल छूट यहाँ पर दे रखी है, पी जो डब्ल्यूडी है उनको 10 साल, जनरल ओबीसी 13 साल और दोस्तों एससी एसटी 15 साल की यहाँ पर छूट दे रखी है, ईएसएम है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट दे रखी है, ठीक है। बाकी आपके मेरिटस इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन वगैरह है इनमें 5 साल और एससी एसटी के लिए 10 साल, ठीक है, जनरल के लिए 5 साल और एससी एसटी के लिए इसमें 10 साल की छूट यहां पर दे रखी है, और दोस्तों ये ग्रुप सी की पोस्टों के लिए है, टोटल ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखा है और जो एग्जाम होगा दोस्तों इसका एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट, यानी कि जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न क्या रहने वाला है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है पैटर्न का, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं 90 मिनट के अंदर, कितने 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपका 25-25-25 के 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, आपको सबको दे रखा है 25-25 क्वेश्चन है और 90 मिनट यहां पर दे रखा है, कोई ज्यादा खास यहां पर नहीं है। फिर दोस्तों ग्रुप सी के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या इसमें, इसके अलावा भी जो दोस्तों आपका सिलेबस है वो विस्तृत रूप से विस्तार से दे रखा है, और दोस्तों जो आपके जो एप्टीट्यूड है यानी टेस्ट कैसा होगा उसमें भी ये दे रखा है, ठीक है। बाकी ग्रुप सी पोस्टों के लिए जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस ये टोटल अलग अलग इसका जो विस्तार से पोस्ट यहाँ पर डाल दी है, ये है दोस्तों। और दोस्तों ये इसके जो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, यानी कि इसकी लास्ट डेट क्या है या फिर इसकी जो आपके फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है, जो 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप ऑनलाइन जाके इसकी वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये टोटल दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल थी, और दोस्तों इसके अलावा ये जो पूरी पीडीएफ है, और इसके अलावा जो ये पीडीएफ बहुत बड़ी हो गई थी तो पीडीएफ पूरी ली नहीं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप कौन सी आईटीआई की ट्रेड आपको मतलब आपकी ट्रेड चलेगी नहीं चलेगी, तो ये पूरी पीडीएफ मैं स्टडी पॉइंट टुडे के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रेड है लास्ट में जो 2 पेज हैं वो आईटीआई ट्रेड के बारे में दे रखे हैं, बहुत अच्छी है। और दोस्तों इसके लिए अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।